so many reasons behind this decision. And एक तो यह है कि आफ्टर 2017 का जो एपिसोड था उसके बाद में हमारा ये जो पार्टी है वो प्रधानमंत्री मोर्चा पार्टी बंटवारा हुआ था, एक भीमा गुरुंग जी का तरफ चला गया, एक मेरा नाम का ऊपर में चला गया। देन इन 2019 वी हैव फेस्ड वन लोकसभा इलेक्शन एंड वन बाई इलेक्शन एमएलए बाई इलेक्शन इन दार्जिलिंग एंड वी हैव फेल्ड टू गेन दैट सीट। हाँ, हमारा अलायंस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साथ में था। देन रिसेंटली कंक्लूडेड जो असेंबली इलेक्शन था उनमें हम तीनों पहाड़ का सीटों पे हम लोग ने कैंडिडेट दिया था, उनमें से कालिम्पोंग का जो असेंबली सेगमेंट था उसमें हम लोग का जीत हो गया, लेकिन कर्शिंग और दार्जिलिंग में हमारा हार हो गया। इसमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस हार को देखते हुए मैंने आज डिसीजन लिया कि मेरा पार्टी की तरफ से मेरा जो पोस्ट है प्रेसिडेंट एंड रिपोर्ट प्रेस वहाँ से रेजिग्नेशन दिया जाए। और साथ ही साथ एक 2019 जनवरी से एक कंस्पिरेसी, दिस इज नॉट द लोकल कंस्पिरेसी, दिस इज नॉट द रीजनल कंस्पिरेसी, बट दिस कंस्पिरेसी वॉज हैक्ड बाय द नेशनल लेवल कि विनय तामंग को हिल पॉलिटिक्स से हटाना होगा। तो कई जगह पे ये कैंप होने के चक्कर में था। देखिए, आज मैं पॉलिटिक्स करूं या ना करूं ये मेरा अपना राइट है, इसलिए इस कंस्पिरेसी को देखते हुए भी आज मैंने पार्टी से अब मेरे को अलग कर दिया है। नाउ देयर इज नो विनय फैक्शन इन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी एंड रेस्ट ऑफ माई लीडर्स जो अभी विनय फैक्शन में, एज पर द वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता दे हैव टू चेंज द नेम ऑफ विनय फैक्शन टू सम अदर एक्स वाई जेड फैक्शन, ये उन लोगों को करना होगा। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल माई पार्टी लीडर्स टू एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन एंड एंडोर्स ऑन इट, ये मेरा है। तो साथ ही साथ सभी को ये देखते हुए मैंने आपका डिसीजन ले लिया है एंड आई एम नॉट गोइंग टू क्विट द पॉलिटिक्स राइट नाउ। मैं पॉलिटिक्स में हूँ और आगे का जो पॉलिटिकल जर्नी है किस तरह का होते हैं वो बाद में देखा जाएगा, बट एज ऑफ नाउ आई वॉज एसोसिएटेड इन टू पार्टीज 1986 to 1999 आई वॉज इन जेएलएफ एंड 2007 to 2021 एज ऑफ नाउ आई वॉज एसोसिएटेड विथ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी। दीज आर द टू फेजेस ड्यूरिंग माई 33 years long political journey. Then I want to start new journey, third phase of political journey very soon. And we वो disclose नहीं करेंगे, बाद में करेंगे ये सब, लेकिन जो भी journey होगा for the interest and the benefit of the people of Darjeeling Hills including Gorkha people. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विनय तामंग को, क्योंकि ये झंडा के लिए अभी कोर्ट में जो हम लोग का लड़ाई चल रहा है, तो ये अभी आज से जो विनय तामंग ने रेजिग्नेशन देते हुए समय जो भी बात कह लिया है, तो उसने खुद ही बोला कि अभी ये विनय फैक्शन और विमल फैक्शन। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अनित थापा को और अनित थापा का टीम को कि ये अभी विनय फैक्शन ना बोले, क्योंकि विनय फैक्शन बोलने से अभी नहीं होगा, क्योंकि आगे से कोर्ट से भी एक भर्ती निकला था कि विनय फैक्शन और अनित विमल फैक्शन,
तो इसको लेकर चल रहा था पार्टी, तो आज से उसने डिक्लेरेशन किया है, और डिक्लेरेशन होने के बाद में जो भी झंडा हमारा झंडा है उसने खुद बोला कि ये झंडा का मालिक ओरिजिनल मालिक आया है, मैं विमल दाजू को ये झंडा सौंपना चाहता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये झंडा ग्रहण कर दीजिए, ताकि इस झंडा में जितना भी मैंने जो भी आगे काम किया है चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मेरे तरफ से मैं सभी को माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और मैं जितना भी ये झंडा के लिए मैंने काम किया है शुरू से ही, और इसका जो अभी मेरा दिल से हृदय से मैं इसको ऐसे अभी हैंड ओवर करना चाहता हूँ, ये बोल के उसने रखा। मैंने बोला, मैंने क्या बोला ना, ये जो हो 2007 में जो हमने 11:19 में जो पार्टी का झंडा फहराया था, उस टाइम में ये भी एक आदमी है, पार्टी बनाने के लिए और पार्टी सृष्टि करने के लिए ये भी एक मान मेंबर है जो अनित थापा नहीं है, उसका हक बनता था, उसका अधिकार बनता था, लेकिन अभी वो आदमी वो पार्टी में रिजाइन करके अभी डिक्लेरेशन किया है, तो उसने खुद ही बोला कि अभी मैं साधारण सदस्य भी रिजाइन करूँगा। मैं चाहता हूँ कि काम करने के लिए जगह एरिया तय करने से नहीं होगा, ये हमारा पार्टी है, हमारा पार्टी का अपना थीम है, तो मैं तो उसको नहीं, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उसके लिए हम लोग वेलकम करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग ये जैसा भी हो पहाड़ के लिए तराई डुवर्स के लिए कोई ना कोई मिलकर ही काम करने से अच्छा होगा। ইস্মার্ট ইনভেস্ট নিয়ে এসেছে মহান কোভিড যোদ্ধাদের জন্য মাত্র 99 টাকাতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ফিলিং বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মী এবং পুলিশ কর্মীদের জন্য। আজই যোগাযোগ করুন ঝাড়গ্রাম হাসপাতাল মোড় ফিনিক্স ডায়াগনস্টিক্সের দোতলায়, মোবাইল নম্বর 9077123060 এবং 9485132399।